मैंने देखा है कि जब मैं सिटी में होता हूँ, जब मैं कहीं सिटी में घूमने आता हूँ, जब बाद में मैं अपने नाव को देखता हूँ तो नाव के अंदर बहुत डस्ट चला जाती है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं, यहाँ बिल्कुल शुद्ध हवा है। जो पार्क है खजियार का, ये सुबह सुबह बिल्कुल ऐसा ये पर डे ऐसा भीगा होता है। तो जब जितने भी लोग जो खजियार में स्टे करते हैं, उन लोगों को सुबह सुबह जल्दी उठकर इसका फ़ायदा लेना चाहिए, और तभी उनका जो है यहाँ पर आना सफल होगा। अच्छा, जो लोग सिटी में जैसे सैर करने के लिए जाते हैं, और यहाँ अगर वो सैर करेंगे तो कितना फ़ायदा नहीं, मिलेगा? इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखो ना, जहाँ पे बिल्कुल ही प्योर ऑक्सीजन है। मैंने देखा है कि जब मैं सिटी में होता हूँ, जब मैं कहीं सिटी में घूमने आता हूँ, जब बाद में मैं अपने नाव को देखता हूँ तो नाव के अंदर बहुत डस्ट चला जाती है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं, यहाँ बिल्कुल शुद्ध हवा है, बिल्कुल शुद्ध हवा। कब से कब तक ये इस चीज़ का फायदा लेना चाहिए सुबह ये सुबह? जो जो ओस पड़ी हुई, ये 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक, जो धूप में आएंगे दोपहर में तो नहीं होता दोपहर में फिर? उसका वो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तब है ना धूप से जो ड्यू होती है, जो ये ड्यू पड़ी होती है, ये जो है वेपराइजेशन हो जाती है, उड़ जाती है। आज है 19 जून 2022 और दिन है रविवार का, तो 18 तारीख 18 जून को हम कल शाम लगभग 4 बजे के आसपास जो है वो खजियार में पहुंच गए थे। ये है आज खजियार का मौसम, जो कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं। आज तारीख है 18 जून 2022 और दिन है शनिवार बिल्कुल का। घने बादल, और थोड़ी कल बारिश हुई, कल भी बूंदाबांदी बारिश हुई है और आज भी बारिश हुई है। देखो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, पूरा खजियार भरा हुआ है। और इस वक्त टाइम हो रहा है 5:15 बजे का, हाँ, सवा सौ पाँच पाँच भी काफ़ी, हाँ। और ये देखो 5:15 बजे और लोग मौसम का आनंद लेते हुए। 16 तारीख को हम लोगों ने अपनी यात्रा पठानकोट से शुरू की थी और 16-17 तारीख को हम धर्मशाला में घूमे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? कितना दूर है होटल नीचे? ये राजस्थान यहाँ से 50 मीटर। अच्छा, साथ में ही था। बिल्कुल, मौसम तो काफ़ी ठंडा हो गया इधर अब। रात को तो ठंडा था, हाँ बारिश वही है मुझे लगता है ना, सुबह कल रात को भी हुई थी जमाझम बारिश। लोगों ने अपनी यात्रा पठानकोट से शुरू की थी और 16-17 तारीख को हम धर्मशाला में घूमे और 18 जून को हम जो है कल खजियार में पहुँचे हुए थे। तो 2 दिन धर्मशाला में भी और डलहौजी में भी बारिश हुई है। तो अभी आप लोगों को कुछ जो है वो तस्वीरें धर्मशाला और डलहौजी से भी दिखाते हैं। और कल धर्मशाला में भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। सबसे पहले आप लोगों को कुछ धर्मशाला की तस्वीरें दिखाते हैं और उसके बाद दिखाएंगे खजियार की तस्वीरें। खतरनाक बारिश आ गई आज, धर्मशाला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। याक भी छूट गए हमारे, कल कर लेंगे, हाँ तेज हो गई। जैसे इंडिया में चेरापूंजी में होती है ना, तो इधर धर्मशाला में सबसे ज़्यादा बारिश। 12 बजे का टाइम है और ये बारिश शुरू हो गई है। ये तो हो गई ना, हाँ हाइट है ना, सारी जगह होती है आजकल तो, पर इधर कभी भी हो जाती है क्योंकि हाइट है ना इसकी। यहाँ तो जब बादल बरसना चाहिए तो थोड़ा सा भी बादल आए बर्फ के दिनों में और बरसात के दिनों में कहीं नहीं जा सकते। और मई जून जो था ना पीछे, उसमें कहीं भी चले जाओ बारिश नहीं होती है। आप रात में दिन में कहीं भी निकलते चले जाओ, कोई टेंशन नहीं होती है। इसलिए उसको धूप तो होती है पर प्रॉब्लम नहीं है आपको ना, कहीं भी आप जा सकते हैं। ये अभी बरसात में ठंड हो जाएगी, मौसम ठंडा मिलेगा, पर दिक्कत आ जाएगी, रास्ता बंद, ट्रेन छूट जाएगी, वो हो जाता है, वो फंस गए पूरा पूरा दिन एक जगह में। और ऐसे बर्फ में भी आप कहीं नहीं जा सकते, स्नोफॉल है, फंस गए उधर भी। तो इसलिए मई जून को मेन सीजन बोलते हैं और लोग आते हैं आराम से, कोई डर नहीं होता है। तो फ्लाई लंबा ही चलते हैं पहले, है ना, देखते हैं उधर, उसके बाद देखते हैं हुआ तो रेस्ट कर लेंगे उधर, है ना। हाँ नहीं तो होटल चले जाएंगे क्या? होटल में और क्या, वहाँ से व्यू अच्छा होता है। हाँ बेटा, और कल धर्मशाला में भी बहुत ज़्यादा तेज बारिश। हम खजियार पहुँचे थे लगभग 4 बजे के आसपास, उस टाइम जो है वो बादल हल्के हल्के थे। 6 बजे के आसपास जो है वो खजियार में बरसात शुरू हो गई। कल अपन यहाँ सुबह 11:30 तक घूम के,
सीधा निकल जाएंगे डलहौजी, तो अपन एक से डेढ़ घंटे में डलहौजी पहुंच जाएंगे। लॉक करके रखो ना, सुबह जब होटल से निकलेंगे ना तो चेकआउट करके आ जाएंगे ना, बस इधर घूमे और फिर आगे बढ़ जाएंगे ना, ये उधर से जब आएंगे तो चेकआउट करके आएंगे, उधर दोबारा नहीं जाएंगे। ठीक फिर आप लोग डलो जी होटल चेक इन करके, हाँ वहाँ टाइम मिल जाएगा अपने को अच्छा, होटल चेक इन करके और फिर उधर घूमने जाएंगे। कल का दिन मिल जाएगा और परसों की सुबह और दोपहर मिल जाएगी, हाँ फिर वहाँ से चेकआउट करके, चेकआउट करके घूमते घूमते और सीधा पठानकोट, ये है ये बेस्ट हो गया ना। तो अभी मेरे साथ यहाँ पर एक गुरुजी हैं, तो ये योगा करते हुए मुझे यहाँ पे दिखे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनोज जी, गुड मॉर्निंग। योगा हो रहा है? हाँ योगा कर रहा हूँ। आप डेली आते हैं? मैं डेली आता हूँ। अच्छा डेली आते हैं, और इसके बहुत ज़्यादा काफ़ी फायदे हैं ना मनोज जी, इसके ज़्यादातर आग के लिए इतनी बड़ी है, और आपके जो हम खाते हैं अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जंगीली गैस से बनती है, हमारे जो शरीर की हीट है वो इससे कम होती है, रिड्यूस होती है हीट। गुरु जी एक रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी जैसे इधर टूरिस्ट आते हैं पहाड़ों पे आते हैं, हाँ। तो उन चीज़ों का भी अगर इन इसका फ़ायदा मिल जाएगा तो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। देखो सब टूरिस्ट से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, कि वो सुबह जल्दी जहाँ पे आएँ और इस ग्राउंड में नंगे पाँव चलें और इसका लाभ लें, लेकिन प्रैक्टिकल करके खुद इसका अनुभव करें। अच्छा जो लोग सिटी में जैसे सैर करने के लिए जाते हैं और यहाँ अगर वो सैर करेंगे तो कितना फ़ायदा मिलेगा? इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखो ना जहाँ पे बिल्कुल ही प्योर ऑक्सीजन है, मैंने देखा है कि जब मैं सिटी में होता हूँ, जब मैं कहीं सिटी में घूमने आता हूँ, जब बाद में मैं अपने नाक को देखता हूँ तो नाक के अंदर बहुत डस्ट चला जाती है, लेकिन जहाँ कुछ ऐसा नहीं, यहाँ बिल्कुल शुद्ध हवा है, बिल्कुल शुद्ध। कब से कब तक ये इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए? ये जो ओस पड़ी ये 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक, जो धूप में आएंगे दोपहर में तो दोपहर में उसका वो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तब है ना धूप से जो ड्यू होती है, जो ये ड्यू पड़ी होती है, ये जो है वेपराइजेशन हो जाती है, उड़ जाती है। अच्छा हाँ हाँ, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये पर डे जो है ये ऐसी जो ग्राउंड है, ये जो पार्क है खजियार का, ये सुबह सुबह बिल्कुल ऐसा ये पर डे ऐसा भीगा होता है, तो जब जितने भी लोग जो खजियार में स्टे करते हैं उन लोगों को सुबह सुबह जल्दी उठकर इसका फ़ायदा लेना चाहिए, और तभी उनका जो है यहाँ पर आना सफल होगा। जितने भी टूरिस्ट जो है वो पहाड़ों पर जाते हैं उन्हें सुबह सुबह उठकर जो है वहाँ के मौसम का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप पर डे अपने सिटी के आसपास सैर करते हैं वहाँ पर आपको इतनी फ्रेश एयर जो है वो नहीं मिल पाती है। और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9418007673, तो किसी भाई को और अधिक जानकारी चाहिए तो वो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पोर्ट के साथ, तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।